हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो मैकेनिज्म्स की या वो मैकेनिज्म के टाइप्स की जो कि किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के अक्रॉस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में हर एक टाइप को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दूसरा जो टाइप है वो है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तीसरा जो टाइप है वो है ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स। ओके, तो जो मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है इसके फर्दर दो टाइप बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर और टाइप्स बन जाते हैं। पहला है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तीसरा है फिल्ट्रेशन और चौथा आ जाता है आपका ऑस्मोसिस। वैसे ही आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप है, तो इसके मेजरली दो टाइप है। पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट। ठीक है, अब यहां पर जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फर्दर दो टाइप्स बन जाते हैं। एक को हम बोलते हैं एंटी पोर्ट और एक को हम बोलते हैं सिम पोर्ट। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स जो है इसके दो टाइप हैं। एक को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो है वो दो टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो इस टाइप से आप जो है क्लासिफिकेशन या टाइप्स जो है मैकेनिज्म का क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम एक एक करके पूरे ये टाइप्स को जो है डिस्क्राइब करते चलेंगे। थैंक यू।